हेलो दोस्तों, मैं मंटू और आप देख रहे हैं टेक्निकल मंटू। दोस्तों आज हम बात करेंगे यहाँ पर, जो कि यहाँ पर जैसे देख सकते हैं मनरेगा कार्ड बनवाने का आप सोच रहे हैं, तो आपको बता दें कि इसमें कौन कौन से कागजात लगेंगे और कहाँ आपको ये कागज़ जमा करना होगा और क्या क्या करना होगा, पूरे डिटेल्स में इस वीडियो में बात करेंगे। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहें। जैसे ही देख सकते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, यानी कि महात्मा गांधी नरेगा से जुड़कर अपने गांव में ही परिवार यानी कि रोजगार प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें, यदि अपने परिवार के पास सक्रिय जॉब कार्ड है तो उनमें अपना नाम शीघ्र जुड़वा लें। यदि आपके परिवार के पास जॉब कार्ड नहीं है तो शीघ्र बनवा लें। विभिन्न राज्यों से लौट कर आए अप्रवासी ग्रामीणों को जॉब कार्ड बनवाने पर मनरेगा अंतर्गत रोजगार की सुविधा यहाँ पर मिलेगा। वर्तमान में आइसोलेशन वार्ड या क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती लोग भी प्रशासनिक नियमों का पालन करते हुए जॉब कार्ड बनवाने हेतु आवेदन दे सकते हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर क्या क्या प्रक्रिया है जॉब कार्ड बनवाने की और कौन कौन सी डॉक्यूमेंट लगेगा और कितने दिन में ये बन के तैयार हो जाएगा, यानी कि आपको मिल जाएगा, पूरे डिटेल्स में यहाँ पर आपको बताते हैं। जॉब कार्ड प्राप्त करने की प्रक्रिया आपको बता दें, जॉब कार्ड बनवाने का आवेदन पत्र अपने ग्राम पंचायत से प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि उसका प्रमाण पत्र जो होगा, फॉर्म होगा, ग्राम पंचायत से आपको मिलेगा। आवेदन मौखिक भी किया जा सकता है। आवेदन के साथ निम्नलिखित कागजात, यानी कौन कौन से कागजात लगेगा और कहाँ जमा करें, यानी कि ग्राम पंचायत में जमा करना होगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं परिवार के सभी सदस्यों का फोटोग्राफ होना चाहिए। और उसके बाद आपको बता दें, सभी सदस्यों के बैंक खाते का विवरण होना चाहिए। आधार संख्या यदि उपलब्ध है तो आपको देना है। इसमें आवेदन के 15 दिनों के भीतर जॉब कार्ड उपलब्ध करवाया जाता है, यानी कि आपको आवेदन करने के 15 दिन के अंदर अंदर आपको जॉब कार्ड तैयार होकर आपको मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण विकास विभाग बिहार द्वारा जनहित में जारी है। आपको बता दें, मनरेगा के तहत कार्य मांगने की प्रक्रिया भी आपको इस वीडियो में बता दें। कार्य की मांग व्यक्ति परिवार की तरफ से अपने ग्राम पंचायत में की जा सकती है। सादे कागज पर अथवा मौखिक रूप से आवेदन दिया जा सकता है। आवेदक को निम्नलिखित सूचनाएं उपलब्ध करानी होगी। कार्य करने के इच्छुक व्यक्ति का नाम, जॉब कार्ड संख्या उस पर लिखना होगा, कार्य की अवधि लिखना होगा, आवेदक किस स्थिति से कार्य करने के इच्छुक है वो लिखना होगा, कार्य की मांग हेतु आवेदन करने के 15 दिनों के भीतर आवेदनों को यानी आवेदकों को कार्य उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे ही आप करा सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि बाहर से जो भी व्यक्ति आए हैं कोरोना वायरस के लॉकडाउन में, उनको स्कूल में रखा गया है 15 दिन के लिए, यानी कि 14 दिन के लिए। उस समय ही उनको जॉब कार्ड यानी मनरेगा जॉब कार्ड सरकार ने बनाकर उनको दे रही है। तो दोस्तों जो व्यक्ति उस टाइम आए हैं उनको तो यहाँ पर फॉर्म वगैरह कुछ नहीं फिल करना है, लेकिन ऐसे जिनको अप्लाई करना है उनको यहाँ पर ग्राम पंचायत से फॉर्म लेना है और ये जो भी फोटो है, आधार कार्ड है, बैंक का खाता है, वो सारा विवरण भर के उनको जमा करना होगा ग्राम पंचायत में, तभी उनका जॉब कार्ड बनकर तैयार होगा। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं, ताकि कोई भी वीडियो लेकर आऊँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे।